तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेग प्रेस और स्क्वाट्स की। इन दोनों एक्सरसाइजेस का कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी बेटर है और आपको कौन सी करनी चाहिए इन दोनों में से। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोग अपनी हेल्थ परफॉर्मेंस एंड फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती है। तो अगर हम इन दोनों एक्सरसाइजेस को देखें जो मेनली जो हमारा मसल टारगेट हो रहे हैं वो है ग्लूट्स और क्वाड्स यानी हमारी थाइस। तो ये दो मसल हमारी मेनली इनमें टारगेट हो रही है। अगर हम मूवमेंट पैटर्न भी देखें तो दोनों ही एक्सरसाइजेस में हमारा नी फ्लेक्शन हो रहा है और हिप फ्लेक्शन हो रहा है यानी हमारा हिप बेंड हो रहा होता है और हमारी नी बेंड हो रही होती है। और तो ये हो रहा है जिसमें हमारे क्वाड्स और ग्लूट्स टारगेट होते हैं, वो एक्टिवेट होते हैं और मेनली हमारी इन मसल्स पे वर्क करता है। तो ये तो है दोनों में सिमिलैरिटी की, हाँ ये ऑलमोस्ट सेम मसल ग्रुप्स को टारगेट कर रहे हैं। बट अगर इनके डिफरेंसेस की बात करूँ स्क्वाड्स और लेग प्रेस की, तो देखिए ये दोनों सेम मसल को तो टारगेट कर रहे हैं बट स्क्वाड्स जो है वो एडिशनली आपकी और मसल्स को भी टारगेट कर रहा है, जैसे कि हमारे कोर मसल्स, हमारे स्टेबलाइजर्स और ओवरऑल हमारी फंक्शन स्ट्रेंथ स्क्वाट इंप्रूव करता है। अब हमारे मल्टीपल जॉइंट्स वर्क करते हैं। अगर मैं वेटेड स्क्वाट्स की बात करूं तो उसमें हमारा हिप जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, साथ के साथ मेरी कोर भी वर्क कर रही है और जो मेरी बैक है, जो मेरी स्पाइन है, वहाँ के सभी स्टेबलाइजर्स वर्क कर रहे हैं मेरी बॉडी को स्टेबल रखने के लिए। फोर्स ट्रांसफर में हमारी कोर हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जिससे हमारी कोर की मसल्स भी डेवलप होती हैं बॉडी को स्टेबल रखने में, फोर्सेस को ट्रांसफर करने में ऊपर से नीचे, तो इन ये सब इनका काम होता है। बट अगर मैं लेग प्रेस की बात करूं तो वहां पे हम एक सरफेस के ऊपर लेटे होते हैं, पूरा सपोर्ट होता है हमारी बैक को। ऑल वी हैव टू डू इज कि हमें अपने लेग से उसको वेट को पुश करना होता है, बस उसमें इतना होता है। बट अगर स्क्वाट्स में हम देखें तो बहुत ज्यादा हमारे फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, ज्यादा हमारे जॉइंट्स वर्क करते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी वर्क करती है और ओवरऑल हमारी फंक्शनल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। अब फंक्शनल स्ट्रेंथ से मेरा मतलब यह स्क्वाट जो है वो एक बेसिक ह्यूमन बॉडी मूवमेंट है, ऊपर उठना और बैठना जो हम डेली लाइफ में करते हैं। लेग प्रेस जैसा कोई मूवमेंट हम इतना करते नहीं, इसलिए यही रीजन होता है कि लेग प्रेस की एक्सरसाइज में बहुत ज्यादा वेट लगा सकते हैं बट स्क्वाट्स में नहीं। जैसे मैं आपको अपने एग्जांपल से बताऊं, ये मेरा 90 केजी है, 3 रेप मैक्स, वो भी मेरे को वेट लिफ्टिंग बेल्ट लगा के करना पड़ा था। बट यही मेरा रीसेंट वीडियो है लेग प्रेस का, जिसमें मैं 100 केजी लेग प्रेस कर रहा हूँ, वो भी मल्टीपल रेप्स के लिए, 6-7 रेप्स से भी ज्यादा मैंने कर दिए थे। तो बहुत ईजी हो जाता है क्योंकि स्क्वाट्स में मेरी बॉडी पहले स्टेबल भी कर रही थी वेट को ताकि वो इधर उधर ना गिरे, मेरी बैक पर पूरा वेट था तो मेरी सभी कोर मसल्स भी वर्क कर रही थी उसको स्टेबल रखने में, और मैं ऊपर नीचे मूवमेंट भी परफॉर्म कर रहा था तो उस मूवमेंट के दौरान भी स्टेबल रखना होता है बॉडी को, तो वो सभी मसल्स वर्क करती हैं बट इसलिए इतना वेट नहीं लगा पाते एज कम्पेयर टू लेग प्रेस, क्योंकि लेग प्रेस में कोई स्टेबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और मैं लेग प्रेस की बात करूँ तो आपके क्वाड स्ट्रेंथ, आपकी क्वाड मसल को इम्प्रूव करेगी, आपके ग्लूट्स को इम्प्रूव करेगी, उसका इतना होता है बट उसके इतने एडिशनल बेनिफिट्स नहीं है जितने हमारे स्क्वाट्स के हैं। हाँ एक फायदा लेग प्रेस में जो होता है कि हम ज्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा स्टेबलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दोनों एक्सरसाइज के अपने अपने फायदे हैं। आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर है दोनों एक्सरसाइज में किसके क्या फायदे हैं और किसके क्या नुकसान है। अब मैं बात करता हूं आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो देखो अगर आपका गोल है ना कि आपको मसल बिल्ड करना है, स्ट्रेंथ बिल्ड करना है और साथ के साथ और भी एडिशनल बेनिफिट्स हैं आपकी ओवरऑल फिटनेस में, तो स्क्वाट्स एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू लेग प्रेस। बट सपोज आपको कोई इंजरी है जिसके कारण आप स्क्वाट्स ठीक से नहीं कर सकते या फिर आप लोगों को लो बैक पेन होता है स्क्वाट्स करते हुए, तो लेग प्रेस आप लोगों के लिए एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था स्टेबिलिटी की ज्यादा जरूरत होती है स्क्वाट्स में, जब हम वेट को अपनी बैक पे रखते हैं बट या फिर फ्रंट में भी रखते हैं, अगर फ्रंट स्क्वाट करते हैं तो वहाँ स्टेबिलिटी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होगा। आपको बैक पेन है, लोअर बैक पेन है, तो उस केस में लेग प्रेस एक बेटर ऑप्शन है क्योंकि वहाँ आपकी बैक को फुल सपोर्ट होता है, तो उस केस में आप लोग इंजरी के केस में या पेन के केस में आप लोग लेग प्रेस कर सकते हैं, जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। ऐसा नहीं है कि लेग प्रेस टोटली यूजलेस एक्सरसाइज है। अगर आपका गोल है सिर्फ और सिर्फ मसल हाइपरट्रॉफी, आपको सिर्फ मसल बिल्ड करना है, तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर लीजिए या फिर आप दोनों ही कर सकते हैं, ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है आपको दोनों में से एक करनी है। आप स्क्वाट्स भी कर सकते हैं ताकि आपका स्ट्रेंथ भी बिल्ड हो, मसल भी बिल्ड हो, और आप लेग प्रेस भी कर सकते हैं जिससे आपका ओवरऑल वर्कआउट वॉल्यूम बढ़ेगा यानी आपके नंबर ऑफ सेट्स और रैप्स इंक्रीज होंगे, जो मसल बिल्ड करने के लिए जरूरी होता है कि, या फिर आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, टोटली आपकी प्रेफरेंस है अगर आपका गोल है सिर्फ और सिर्फ मसल हाइपरट्रॉफी। अगर आप लोग पावर लिफ्टर है तो ऑब्वियसली आपके पास स्क्वाट ना करने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है क्योंकि वो आपका मेन कॉम्पिटिशन लिफ्ट है। और बात करूं लेग प्रेस की, तो लेग प्रेस आपकी हेल्प कर सकती है स्क्वाट्स में आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्योंकि ऑब्वियसली आप अपने लेग प्रेस करते हो अपनी क्वाड्स की, थाइस की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, तो एट दी एंड जब आप स्क्वाट को परफॉर्म करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको स्क्वाट में ही मिलेगा क्योंकि आपकी थाइस की मसल्स उससे स्ट्रॉन्ग हुई है। तो मसल हाइपरट्रॉफी के साथ साथ अगर आपका गोल है कि आपको एथलेटिक परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है,
आपको अपनी मोबिलिटी इंप्रूव करनी है, स्टेबिलिटी इंप्रूव करनी है, ओवरऑल फिटनेस पे काम करना है, तो स्क्वाट्स एक बेटर ऑप्शन रहेगा। क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया था, इसमें जो रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की फंक्शंस की वो बहुत ज़्यादा होती है। कितने रिसर्चेज में ये भी देखा गया कि स्क्वाट्स से एथलीट की जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हुई है। जैसे एक रिसर्च थी फीमेल एथलीट्स पे, जहाँ ये देखा गया था कि उनकी क्या स्क्वाट्स करने से उनकी वर्टिकल जंप और स्प्रिंट इंप्रूव होगा या नहीं, तो उस रिसर्च में ये देखा गया था कि हाँ, स्क्वाटिंग से उनके का स्प्रिंट भी इंप्रूव हुआ था और वर्टिकल जंप भी इंप्रूव हुई थी। और ऐसे ही आप देखेंगे कई एथलीट्स, रोनाल्डो, विराट कोहली, ये अपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के वर्कआउट में इंक्लूड जरूर रखते हैं स्क्वाट्स, क्योंकि एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में भी हेल्प करता है। तो हाँ, अगर आपके एडिशनल गोल्स हैं स्ट्रेंथ, मोबिलिटी, स्टेबिलिटी और कोर स्ट्रेंथ वगैरह, तो हाँ, एक स्क्वाट्स बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। साथ के साथ आपको एक वो नेचुरल मूवमेंट के लिए भी ट्रेन कर रहा है। इस सेक्शन को मैं शॉर्ट में बताऊं तो मैं ये कहूंगा, अगर आपका पावर लिफ्टिंग है तो स्क्वाट्स तो होने ही चाहिए। अगर आपका गोल है सिर्फ और सिर्फ मसल हाइपरट्रॉफी, तो आप दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं, या फिर दोनों को ही चूज कर सकते हैं और अपने वर्कआउट वॉल्यूम जिससे आपका इंक्रीज हो। और अगर मैं बात करूँ आपका गोल है ओवरऑल फिटनेस, एथलेटिक परफॉर्मेंस, कोर स्ट्रेंथ, ये सब आपका गोल है, तो आपको स्क्वाट्स जरूर करने चाहिए। आप लेग प्रेस भी कर सकते हैं, बट अगर हम ओवरऑल सभी बेनिफिट्स देखें तो स्क्वाट्स के ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू लेग प्रेस, क्योंकि स्क्वाट्स आपको एक रियल लाइफ मूवमेंट के लिए भी ट्रेन कर रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।